कैसे? मैं ठीक हूँ. हाय सिम्बाज. बैठो. हेलो. हाय. हाय. एक अप्पू मेरे को रिप्रोड्यूस करना. रिप्रोड्यूस क्या होता है वो? इंट्रोड्यूस. हाँ हाँ वही वही करना. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम बिन बुलाई अनप्रोफेशनल अनप्लैंड चाइल्ड ऑन द अर्थ ए वेरी अनटैलेंटेड इग्नोर्ड एंड अनकजन्स. अरे अपनी बहन को कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करते है क्या? आप भी ना बहुत चिड़चिड़े हो गए जब से आपकी दीपिका की शादी हुई ना. वो क्या करते थे जान? सेंटी. हाँ पहले बहुत जॉली नेचर था इनका, अब सेंटी नेचर. ये मेरा कप्पू. अरे कुछ नहीं होता. अरे जो हो गया सो हो गया. होनी और रणवीर सिंह को कोई भी नहीं टाल सकता. ये लोग जो सोचते हैं ना वो करके रहते. टेंशन नहीं लेने का. एक साल से मैं घर पे बैठा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया. शो शुरू हुआ पता नहीं कहां कहां से रिश्तेदार आ रहे हैं. तो एक साल पहले आके हम करते भी क्या? कोई ठिकाना था आपका? कभी इधर कभी उधर, न जाने किधर किधर. पेपर में तो पढ़ा है सब लोगों ने. और अगर आप रिश्तेदारी की बात करें ना, मैं आपकी बहन हूँ. मेरी बहन हूँ? बहन हूँ, बहन हूँ. और मेरा दादा भी एक ही था. हमारा दादा है, लेकिन हमारी दादियों के बीच में 17 दादियों का फर्क है. मेरे दादा ने 56 मैरिजेस किए हैं, तो ऐसी मेरी 700-800 कजन्स आपको मार्केट में मिलेंगी. फिर कब तक हम लोग अपनी बैठकों में बिजी रहेंगे? कप्पू इधर सिम्बा ये लोग आए हैं. आप इधर अपने रिसेप्शन की प्रमोशन पे आए लिए ना. ये तो पागल है सपना. रिसेप्शन की प्रमोशन कौन करता है? अरे ये रणवीर सिंह है, ये कुछ भी कर सकते है. लोगों को मूछ आती है लोग सेव करते हैं, इनको मूछे आती है फिल्में कर लेते हैं. माय गॉड. और मालूम है इतना पाजी, इतना एनर्जी. माय गॉड इतना एनर्जी. इनकी ना रिसेप्शन पे एक आखिरी बंदा बचा था जिसको उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे. उसके साथ भी 4.25 घंटा डांस किया इन्होंने. वेरी नाइस. मतलब कुल मिला के ये सिंधियों के रजनीकांत हैं. ए सपना मेरी बात सुन, आज पहला एपिसोड है इसलिए सिद्धू जी अभी तक पोलाइट है. हाँ. नहीं तो अभी तक तेरा ना दूसरे शो में ट्रांसफर कर देते. कर ही नहीं सकते क्योंकि किधर से और से इधर आईली है मैं. और अभी इधर आई गई है तो रोहित सर से मैं बात करेगी. रोहित सर मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करेगी. मेरी तरह है. चक्कर पता है क्या? सुन कप्पू, मेरे को ना गफ्फूर ने समझाया था क्या, अगर बंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का. रोहित सर मेरे ना लाइफ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. क्या? अरे मेरा ना मुकेश के साथ लफड़ा था. हाँ? मेरा ब्रेकअप हो गया. आप बात करो ना, मेरी सिफारिश करो ना उससे. अरे वो तो वो थोड़ा ना जानते मुकेश को. अरे सब जानते, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है मुकेश. हाँ? वो जो थिएटर में आप लोग की फिल्में नहीं लगती. हाँ, हाँ, हाँ. उससे पहले मुकेश की आती है. अरे फेफड़े वाला मुकेश. इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं. मैं हूँ मुकेश और मैं 23 साल का. उसके साथ मेरा लफड़ा था रोहित से. अच्छा क्या छोड़ दिया, बहुत सिगरेट पीता था. अच्छा वही मुकेश. तभी मैं सोचूं जर्दे की शीशी जैसी दिखने वाली इसको कौन से मुकेश ने पसंद कर लिया है. देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेरा शो शुरू हो गया है, तुझे कोई ना कोई काम दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे नहीं कप्पू भैया, काम मेरा ऑलरेडी सेट है. क्या? वो देखो ना, सपना ब्यूटी पार्लर खोले ला है मैंने. ऑलरेडी हो गया खोले ला है. तो अभी इन लोग को लेके जाएंगे. इतने सब खास खास मेरे ग्राहक भी आ गए इधर. तेरा दिमाग खराब है? वो हमारे शो में आए, तेरे पार्लर में थोड़ी ना आए. एक बात बोलूं कप्पू भैया? क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पार्लर में. कौन सा सेलिब्रिटी आते हैं तुम्हारे पार्लर में? अभी दिखाती है मैं आपको. देखो वो देखो, खुद ही देख लो. इधर इधर किधर? उधर. हाँ पहला दिन है मालूम नहीं. ए सपना ब्यूटी पार्लर, बी सपना ब्यूटी पार्लर, सी सपना ब्यूटी पार्लर, या फिर डी सपना ब्यूटी पार्लर. अंदर वाला कुछ आता है तभी है कि नहीं? आता है, सब आता है मेरे को.
एक बात बता, अगर जैसे फेस पे दीपिका पादुकोण जैसा ग्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दीपिका जैसा ग्लो, हाँ उसके लिए तो देखो आपको सबसे पहले जुहू पे 50 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, फिर कम से कम 25 फिल्में सुपर हिट देनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर एक हैंडसम रणवीर सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना सारा का हो सकता है। हमारी सारा कितनी प्रिटी है ना। क्या ग्लो है सारा के लिए, जोरदार ताली हो जाए। सारा बहुत अच्छे यार। देखो मेरा और सारा का स्किन देखो कितना ग्लो करता है। सेम टू सेम फीचर्स भी हमारे मिलते हैं। देखो कहाँ मिलता है तेरा फीचर है? फीचर फीचर वो शाही खानदान से तू शाही दवा खाने में पैदा होने वाला बकवास करती है। अच्छा मेरे को शाही खानदान से याद है सारा, एक छोटा सी सिफारिश कर देंगी? बताइए। पापा से बात करके ना मेरे को तैमूर की नैनी लगवा दो ना। तेरे को बच्चों से इतना प्यार है? नहीं, मेरे को मीडिया में आने का बहुत शौक है। बहुत मजा आता है मेरे को। उसका नैनी का फोटो देख ले आप लोग, हर पेपर में छपता है। और कितना क्यूट है ना अपना तैमूर, इतना छोटा सा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपती है। मैं इतनी बड़ी सी, मेरी इतनी सी भी नहीं छपी आज तक। मेरे को करवाओ ना थोड़ा सा। तेरे को लगता है तैमूर का ख्याल रखवाएगी? ये देखो छोटे लोग छोटी बातें। अरे वो नवाबों का खानदान है, नवाबों का। अरे उन लोगों ने तैमूर की नैनी का ख्याल रखने के लिए 20 लोग रखे हुए हैं। सब बात कर। खैर रोहित सर, देखो आपने इतना अच्छा बॉडी बनाया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ दो ना मेरे को। क्या क्यों चाहिए? 1 करोड़ क्यों चाहिए? पागल है? ऐसे कोई मेहमानों से पैसे मांगता? एक बार बोल बच्चन तो मांगी थी, दी ना मेरे को। तो मेरे को लगा 1 करोड़ भी दे देंगे वो। आप बिना कपूर भैया, चलो कोई नहीं, मुझे पता है इनमें से कौन मेरे पार्लर में आएगा। कौन? मेरा रानू। कौन रानू? मैं और दीपिका रणवीर को प्यार से रानू ही बुलाते। आओ रानू। ए रानू। सपना तेरे को पता ना, सिम्बा में पुलिस वाले बने रणवीर। अरे हाँ, अरे कमाल के पुलिस वाले यार। पाजी पुलिस वालों को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता है ना। ये तो इतने एनर्जेटिक है, 1 नंबर डायल करो सीधा घर पहुंच जाते। 0 डायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैं ना आपका सबसे पहले क्या क्या कौन ओ अरे लग गया मेरे को। क्या हो गया? हाँ दीपिका, रणवीर मेरे कब्जे में। अगर सही सलामत वापस चाहिए तो 10 करोड़ रुपया भेज दो। हाँ देखना, नहीं तो हनीमून भी डिले हो जाएगा। हाँ ओके भाई। अरे कोई टेंशन नहीं, आप तो सिंधी हो, 10 आएंगे अपन 5-5 बांट लेंगे। देखो ये पार्लर तो एक बहाना था, बस रणवीर को गले लगाना था और पहले ही एपिसोड में इन सब से ऊपर आना था। थैंक यू, लव यू, लव यू रोहित सर, लव यू सर। यहाँ आ जाओ सपना। क्या बोल रहे? एक बात पाजी मैं बोलना चाहूंगा ये शो की, कि ये दो चेहरे, इनसे बेहतर टेलीविजन पे एक्टर्स है नहीं। क्या बात। और हम लोग ने सोनी पे ही शुरुआत की थी, ये सब नया आए थे, मैं जज था। और फिर एक बार वापस ऐसा हुआ कि 10 साल बाद सोनी पे ही ये दोनों वापस आए साथ में। इनसे बेहतर कोई नहीं है। क्या बात है, इनसे बेहतर है ही नहीं कोई। थैंक यू सर। मैं भी आपको कह दूं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन था ना, थोड़ा अधूरा था। गुरु तू क्या आया, पूरा हो गया। मैं भी बोलना चाहूंगा, ये जो करते हैं ये जीनियस लेवल का काम होता है। क्या बात है, पूरे देश को करोड़ों लोगों में इतनी खुशियां बांटते हैं अपने टैलेंट से, अपने हार्डवर्क से। जोरदार तालियां। थैंक यू। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, हर तरीके की एक्टिंग, जिस तरीके से ये गाते हैं और जिस तरीके से ये डांस करते हैं। तो हमारे हिट गाने पे सारा अली खान के साथ हो जाए कृष्णा।
अब वक्त है फिल्म सिम्बा की कास्ट से एक और मेहमान को यहाँ पे इन्वाइट करने का. ये देखने में जितने सख्त हैं, इनका दिल जो है उतना ही नर्म है. प्लीज वेलकम द वेरी फिट, वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड माय ब्रदर सोनू सूद. यहाँ पे विराजमान हो जाइए. जहां रहे वहां मस्तियां भरपूर कर दे, वाह. ये जो मांगे खुदा उसे मंजूर कर दे, वाह. है फौलाद की ताकत इसके मजबूत हाथों में, वो चाहे तो तरबूज को दबा के अंगूर कर दे. थैंक यू भाई. बड़ा फिटनेस फिटनेस फ्रीक शेयर मारा है आपने. बाउंड्री पे बाउंड्री लगा, बाउंड्री मौके पे चौका. परी सोनू परी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की मतलब ये की तो गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ यार. हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं हर 6-8 महीने में, बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉर्ट होता है और एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे सिक्स पैक्स निकल आते हैं. 365 डेज अ ईयर सोनू सूद ये बंदा ऐसी पता नहीं कितने सालों से, मतलब अगर आप चाय के शौकीन है तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा. सोनू भाई एक बात, सोनू भाई ये सच्ची बात है. ये तो मैं दिखा दूं आपको, पता ही है हमने हमारे पर चेक करना ही होता है. चलो भाई चेक कर लो. है ओ यार पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे. पाजी इतनी बॉडी बनाई है पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है. पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी. मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ. भाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ राजकुमार राव के साथ जी, तो वो तो दुबले पतले हैं, तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो. क्या बात है यार. पर जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार. हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे, दगा किया है मेरे साथ. पाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ. पाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते हैं उनके भी इतने बड़े नहीं होते. अच्छा सारा जी, ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है. इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है. अभी भी सर कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे. हमारी सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता नेशनल लेवल की स्विमर है ये. रियली? हाँ मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ. पर मैं आपको, मैं स्विमिंग के कुछ होते ना, क्या बोलते हैं उसको, लैप स्ट्रोक्स, नाम होते हैं स्ट्रोक्स के, तो मैं नाम लूंगा आपको बताना कैसे हैं. हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकती हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं. ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको. वाओ ऐसे ही होता है. और बटरफ्लाई? नहीं नहीं नहीं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई ये ये तो शुतुरमुर्ग हो गया. कौन से नेशन की नेशनल स्विमर है ये? वाली थी मैं, नेशनल स्विमर नहीं हूँ. अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी. मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है, बैक स्ट्रोक होता है, वो नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पता ही, आपको पता ही होगा, तालाब में छपड़ों में ये सर होता नहीं है. उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है, एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं. नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए. अच्छा कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं, तालाब में होते, वही भैंसे नहा रही हैं, वही खुद नहा रहे हैं. जैसे अपना पांडे है, ये स्विमिंग बड़ी करता है. अच्छा वो वाला जो कच्चा होता है ना, वो उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है. वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है. और वो अगर तो पुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है पूल के अंदर. अच्छा फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर.
वो बड़ा वो एक बार फिर उसमें घुस के हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कशा